दोस्तों आज हम जानेंगे 5G के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर होने वाले हैं 5G से, और क्या क्या इसके रेडिएशंस है, और क्या दिक्कत आने वाली है, क्या इसकी स्पीड होने वाली है, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं प्रोफिशिएंट। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आखिर 5G का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे 2G था मतलब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे ही अभी फिफ्थ जनरेशन आ चुका है जो कि 2020 में लॉन्च होने वाला है। 5G काम में आने वाला है हायर फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए और हायर स्पीड डेटा के लिए। जहाँ पे अगर हम 4G से इसे कंपेयर करें तो 4G की जो स्पीड है वो 1GB की अगर होती है तो 5G आपको 20GBPS की स्पीड देगा, मतलब 20x फास्टर है 4G से। बात करें 5G की तो 5G हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए बनाया गया है। ऐसे में अगर आप बिल्डिंग्स के अंदर भी होते हैं तो आपको रेंज की दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि 5G में उन्होंने मतलब कम्प्लीटली एक ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बनाई है जिससे बिल्डिंग्स पे उनका कोई असर नहीं होगा। कंपेयर करें हम 4G से 5G को तो 5G की स्पीड 20x फास्टर है, मतलब कि अगर 1GBPS आपको 4G की स्पीड मिलती है तो आपको 20GBPS 5G की स्पीड मिलने वाली है, जो काफी अच्छी बात है और काफी ज्यादा मात्रा में अपडेट हो चुका है। आपको बता दूं कि 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब 2020 में लॉन्च होने वाला है। अभी सारे मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इसके, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है 5G नेटवर्क से। तो अभी साउथ कोरिया में एक रिसर्च हुआ जहां पे उन्होंने 5G टेस्ट किया और सक्सेसफुली टेस्ट किया। साउथ कोरिया दुनिया की ऐसी पहली कंट्री होंगी जहां पे 5G को सबसे पहले इस्तेमाल में लिया जाएगा। वैसे 5G को USA में भी टेस्ट किया गया है और काफी जगह चल रहा है, मतलब ऐसे कुछ उन्होंने फिक्स सिटीज रखी है जहां पे वो सिर्फ 5G को यूज कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए। अभी जो सारे एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होने पे है। ऐसे में बहुत जल्द, मतलब कि 2020 में आपको 5G देखने को मिल जाएगा। अब ये हो गई 5G को लेकर सारी बातें, जहां पे 5G कब लॉन्च होगा, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, ये तो हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे कैंसर हो सकता है, मतलब इसकी रेडिएशन कितने हार्मफुल है ये जानते हैं। 4G की अगर हम बात करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2.4 GHz। बाद में अगर हम वाईफाई की अगर बात करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 GHz। लेकिन अगर हम बात करें 5G की तो वहाँ पे आपको 300 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। ऐसे में क्लियरली पता चलता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपेयर करें 4G से या फिर वाईफाई से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी काफी रिसर्च करने के बाद ही इन्होंने 5G को ऐसे डेवलप किया है जिससे कि कम से कम परेशानियां हो। ऐसे में 2016 में उन्होंने एक USA में रिसर्च किया था चूहों के ऊपर, जहाँ पे CDMA के और GSM के उन्होंने सिग्नल्स उन पे छोड़े थे, मतलब कि जिनकी सार वैल्यू थी तकरीबन 15 W/kg। अब ऐसे में जो ये 15 W है 10 गुना ज़्यादा है हमारे जो नॉर्मल सार वैल्यूज होती है इनसे। हमारे जो स्मार्टफोन की सार वैल्यूज होती है वो होती है 1.6 W/kg। और उन्होंने ये रिसर्च किया दिन में 9 घंटे और 2 साल तक कंटिन्यू उन्होंने ये रिसर्च किया, जहाँ पे उन्हें पता चला कुछ ही चूहों में कैंसर के लक्षण पाए गए और बाकी सारे जो चूहे थे वो मतलब ठीक ठाक थे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इससे भी कुछ प्रूव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 15 W/kg की सार वैल्यू वहाँ पे यूज की थी। तो ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ एक मैंने एग्जांपल बताया था और इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो क्या सच में 5G हार्मफुल होने वाला है, मतलब जब भी लॉन्च होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, हम काफी सारी चीजें ऐसी करते हैं लाइफ में जो हमारे डेली बेसिस में होती है और उसे हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन हम करते हैं। जैसे कि हो गई कॉफी, हम डेली अगर कॉफी पीते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, और अगर हम रात में नाइट लैंप लगाकर सोते हैं तो इससे हमारे ब्रेन के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिससे कि हमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है हमारे बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते हैं। तो ऐसा ही 5G है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरा सिंपली यही कहना है कि ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। ऐसे में जो रेडिएशन होती है वो साइंटिफिकली चेक करके आएंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट होके इस पे आता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।